नीरज जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जागरण फिल्म फेस्टिवल में। लता जी, जैसी हस्ती पे यतीन जी ने लता सुर गाथा किताब लिखी है, उस किताब में लता जी के जीवन के बहुत से पहलू बताए हैं, लेकिन आज हमारे साथ चर्चा में वो ऐसी चीज़ें बताएंगे जो शायद हम भी नहीं जानते हैं। तो यतीन जी, लता जी तो सुर सामग्री, सुरों की मलिका कही जाती हैं, उनको दीवा किसने बनाया, संगीत की दीवा जो उन्हें कहा जाता है, उनका संघर्ष क्या रहा? मुझे लगता है कि उनके अपने हुनर, रियाज, परिश्रम, धैर्य, गुरुओं की संगत में सीखी हुई साधना और दीवानेपन की हद तक फिल्म इंडस्ट्री में पहले दिन से जो उन्होंने काम शुरू किया, जब गाना पार्श्व गायन शुरू किया तब से लेके बाद तक, मैं एक ही बात जानता हूँ कि जब वो 80 साल की हुई और मैंने उन पर किताब लिखने की पेशकश की और वो मान गई, तो 80 साल की उम्र तक वो सब पा चुकी थी और रिटायरमेंट हुए 10 साल हो चुके थे। 2001 में उनको भारत रत्न मिल चुका था और 2009 में मैंने किताब शुरू की। जो आदमी भारत रत्न पा चुका है, जो एक उम्र का पूरा एक पड़ाव जी चुका है, एक एपिकल लाइफ लीड कर चुका है और जिसको किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने सख्त हिदायत दे रखी थी कि सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में फ़ोन मत करना क्योंकि मैं रियाज करती हूँ। क्या बात है। तो 80 साल की उम्र में सब पाने के बाद, फिल्मी करियर में गाना छोड़ने के बाद, अगर 2 साल एक पार्श्व गायिका रियाज करती है तो आप समझ सकते हैं कि वो कैसी थी और उनका एहतराम कितना बड़ा था। बिल्कुल। विद्या जी, आप कैसे याद करेंगी लता जी को आज शुरुआत में, उनके संघर्ष को, जिस तरीके से वो रियाज बताया, आपके दिमाग में पहला गाना क्या आता है लता जी के लिए? सुरों की मलिका थी वो। और देखिए, संगीत के दुनिया में भी हमारे देश में बंटवारा तो है ही। कुछ लोग शास्त्रीय को ऊंचा मानते हैं, कुछ लोग सिर्फ बॉलीवुड सुनते हैं और कुछ लोग उपशास्त्रीय करते हैं, वगैरह वगैरह कई कैटेगरीज हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि लता जी एक ही शायद आर्टिस्ट रही हैं जिन्होंने ये सब बाउंड्रीज को ख़त्म कर दिया अपने गाने के चलते। हर किस्म का गाना उन्होंने गाया है और शास्त्रीय संगीत की दुनिया वैसे जो बड़ी नकचढ़ी होती है, मेरे ख्याल में वही एक आर्टिस्ट हैं जिनको तहे दिल से सब लोग चाहते हैं, मानते हैं और बहुत ज़्यादा उनको रिस्पेक्ट देते हैं। और वो शायद इसलिए है क्योंकि उन्होंने संगीत को, वो संगीत और संगीत वो, कोई डिफरेंस ही नहीं था। तो ये बहुत बड़ी एक साधना है और संगीत की दुनिया में साधना का बहुत बड़ा एक महत्व होता है। तालीम भी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त ली हुई थी अपने पिताजी से और फिर उस्तादों से। तो पहला एक कोई गाना ऐसे याद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कई सारे उन्होंने गाने ऐसे गाए हैं कि जो एक फिल्म, नॉन फिल्म, ये सब ख़त्म हो जाता है उनके साथ। तो कोई एक शुरुआत गुनगुना के होनी चाहिए आपके पसंद के गाने से लता जी के। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। अजीब दास्तां है ये रोशनी के साथ क्यों, धुआं उठा चिराग से ये रोशनी के साथ क्यों, धुआं उठा चिराग से ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जग पड़ी हूँ ख्वाब से। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। क्या बात है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। यतीन जी, लता जी के सफर की सबसे अजीब बात आपको क्या लगी थी जो आप बताना चाहेंगे? उनका सफर काफी संघर्ष भरा था, हम सब जानते हैं, बचपन में भी काफी स्ट्रगल किया, लेकिन आपने उन्हें बहुत करीब से जाना है। मतलब मैं ये समझ पाया हूँ, ठीक है कि मैं किताब लिखने का अवसर पा सका या उस किताब को बहुत मकबूलियत हासिल हुई, मेरी पहचान बनी, लेकिन
मुझे एक दो चीज़ें समझ में आती हैं लता जी से बात करने के बाद और उनके उसमें। कलाकार बनने के लिए या बहुत आगे के मंजिल सफ़र तय करने के लिए बहुत बहुत संघर्ष है, बहुत सीखना पड़ता है, बहुत एक लार्जर देन लाइफ पर्सपेक्टिव कोई पा नहीं सकता जब तक कि वो उस तरह के उस खांचे का आदमी ना हो। लता जी के संदर्भ में जहाँ समझ में आती है बात, वो हर पैरामीटर पे म्यूजिकल के म्यूजिक के पैरामीटर पे वो बहुत परफेक्ट थी। नौशाद साहब के लिए गा रही हैं तो नौशाद साहब अपने उसमें पियानो और तार शहनाई का इस्तेमाल करते थे, तो पियानो और तार शहनाई के उस पे जैसे गाने बनते हैं, जिस तरह की ट्यून बनती है, जिस तरह से उसमें एक वो एक इंटरल्यूड प्रिल्यूड में आवाज़ का भराव का काम किया जाता है, वो सब आप लता जी के यहाँ वहाँ देख सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे वो गाना है मैं भूल गए सांवरिया, या एक गाना है फिर तेरी कहानी याद आई, फिर तेरा फसाना याद आया। आप लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पास जाएं तो वो 100 पीस ऑर्केस्ट्रेशन, मैंडोलिन, तमाम चीज़ों का काम है उनके यहाँ। और जिस तरह से वो अपनी ज्यामिति, अपना अपनी एक ज्योमेट्री कसते हैं ऑर्केस्ट्रेशन पे, उस तरह के स्वर संगति के साथ वो लक्ष्मी प्यारे के लिए गाती हैं। शागिर्द का एक गाना है, उड़ के पवन के संग चलूंगी, मैं भी तिहारे संग चलूंगी, रुक जाए हवा थम जाए बहार। आप पंडित रविशंकर के म्यूजिक में आ जाएं जो सितार बजाते हैं, तो आप अगर उनका एक गाना अनुराधा का सुने, कैसे दिन बीते कैसे बीती रतियां पिया जाने ना, सितार को जिस तरह से रियाज किया जाता है, जिस तरह से साधा जाता है, जिस तरह से स्केल में बांट के सितार पे उंगलियां चलाई जाती हैं, गले में वैसी हरकतें हो रही हैं उस गाने में। आप ये समझ सकते हैं उस गाने को सुनते हुए कि इसकी ट्यून, इसकी ओरिजिनल ट्यून सितार पे बनाई गई होगी। ये 2-3 उदाहरण मैंने इसलिए दिए जो आप कह रही क्या अजीब बात है, ये एक महान बात है कि जो गायक है, जो कलाकार है, वो जो निर्देशक है, उसकी बात को समझ जाए, वो ये समझे कि कहाँ क्या कितने वजन के साथ करना है। जब वो गाती हैं, जब वो माइक्रोटोन पे आती हैं, तो पा फा बा, फा बोल रहा हूँ उसमें से एक अजीब सा एक हस्कीनेस निकल रही, पा फा बा वर्ग के शब्दों को वो इतने सॉफ्टली हैंडल करती हैं कि लगता है कि ये कौन गा रहा है। फिल्म इंडस्ट्री में जब पहले गाने गाए जाते थे तो फोनेटिक्स पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। शुरुआती दौर में 40s में सब लोग मोहब्बत गाते थे, लेकिन नूरजहां मोहब्बत गाती थी जी। तो लता जी ने उनको कॉपी किया, खुद बताया मुझे कि बेटा मैंने कॉपी किया उनको, फिर मोहब्बत ऐसी धड़कन है जो समझाई नहीं जाती। तो बाद में सबने मोहब्बत गाना शुरू किया। जब महल का गाना रिकॉर्ड हो रहा था आएगा आने वाला, तो बॉम्बे टॉकीज में जब वो रिकॉर्डिंग हो रही थी, एक ट्रक के पीछे सब खड़े होके गा रहे थे और लता जी गा रही थी, तो एक लाइन आती है उसमें, दीपक बगैर कैसे परवाने जल रहे हैं। तो जदन बाई उठ के आईं, उन्होंने कहा बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तो बोली लता दीनानाथ मंगेशकर। बोली मराठन हो, तो बोली जी। बोली लेकिन क्या बगैर कहा है तुमने, वो जो गा में नुकता लगाया है, माशाल्लाह बहुत नाम करोगी। तो लता जी ने कहा कि बेटा मैंने उस समय उसको कॉम्प्लीमेंट की तरह नहीं लिया, मैं डर गई, मैंने कहा यहाँ तो एक एक शब्द पे दाद भी मिल रही है और पिटाई भी होगी, जो बाद में बहुत मशहूर किस्सा है कि मराठी लोगों के मुंह से दाद बहाल की बू आती है। अब जब दिलीप कुमार उनको टोक रहे हैं कि कह रहे हैं कि अनिल विश्वास और नौशाद के सामने कि चलेगा नहीं इनका एक्सेंट, आज की कोई पार्श्व गायिका जो इस्टेब्लिश हो रही हो, जिसका समय आ रहा हो, उससे कुछ कह के देख लीजिए, उनकी ट्रोलर्स की भीड़ आके आपको पिटाई कर देगी। लता मंगेशकर थी तो वो गई मोहम्मद शफ़ी के पास, जो बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, उनसे कहा शफ़ी भैया मुझे एक मौलवी लगा दीजिए, मुझे उर्दू सुधारनी है। और उर्दू सुधारने के लिए फिर उनको एक महबूब मौलवी लगाए गए और उनको बाकायदा उर्दू की तालीम मिली। जब पंडित तरीन शर्मा ने उनसे कहा कि भगवत गीता रिकॉर्ड करना है 7वां और 9वां अध्याय, तो उन्होंने कहा कि मैं एग्जैक्ट फोनेटिक्स में कैसे आऊंगी जो एक सामगान के तर्ज पे गीता गाया जाए या पाठ किया जाए। तो तमाम जगह गई, वो वहाँ भी गई बहुत सारे मंदिरों में। फिर पंडित नरेंद्र शर्मा ने कहा कि हिंदुस्तान में एक ही बड़ा संस्कृत का ज्ञानी है, गोनी दांडेकर,
तो गोनी दांडेकर जी से समय लिया गया और गोनी दांडेकर आके उनको फोनेटिक्स पे काम करना सिखा रहे थे, शब्दों और ध्वनियों पे। और उसके बाद भगवद गीता है आपके सामने, चलावाही देश है आपके सामने, गालिब है आपके सामने। वो जब नात गाती हैं, बेकस पे करम कीजिए सरकारे मदीना, तो लगता है कि नौहे का काम हो रहा है। जब वो अल्लाह तेरो नाम गाती हैं तब आप सुन लीजिए, मतलब क्या कहा जाए, तो वो अजीब नहीं कहेंगे, मैं कहूँगा एक फिनोमेना है। लता मंगेशकर एक चैप्टर है, एक अध्याय है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक सुरीली गायिका या बहुत मशहूर गायिका है। एक चीज वो, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करना इसलिए चाह रही हूँ क्योंकि मैं आपसे सुनना चाह रही थी ये बात कि आप ही की किताब लता स्वरगाथा में आपने इसका जिक्र भी किया है कि वो जब गाती थी तो उससे पहले वो गाने को एक तरह से विजुलाइज करती थी जी। इसके बारे में बताइए ना कि कैसे, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ बहुत सारे यंग लोग हैं और हम लोग जब गाना सुनते हैं तो हम उसके मज़े लेते हैं, लेकिन मज़े लेने तक जो एक अनुभव क्रिएट किया जाता है आर्टिस्ट से, मेरे ख्याल में लता जी से ज़्यादा कोई उसको समझ नहीं पाता इस बात प्रक्रिया। तो उसके बारे में थोड़ा आपसे उन्होंने ज़रूर बात की होगी कि कैसे वो मतलब डायरेक्टर के साथ बैठती थी, क्या प्रक्रिया थी। जितना उन्होंने मुझे बताया, जितना मैं समझ पाया, जितना मैंने म्यूजिक स्टडी की, वो पहली बात तो वो स्क्रिप्ट समझती थी कि एक्ट्रेस कौन है, कहानी में उसका रोल क्या है, वो दुखी है कि वो खुश है, उसकी स्प्लिट पर्सनालिटी है क्या है, उसको अंत में वो मरने वाली है या अंत में उसको हीरो मिलने वाला है, उसका संघर्ष कंप्लीट होने वाला है, तो ये सब पार्ट करती थी। फिर एक्ट्रेस कौन है तो उनके बारे में पूछती थी, फिर उसका अपना एक मूड और माहौल बनाती थी। तो मैंने ऐसे 10-20 गानों पे उनसे बात की थी डिटेल में, जिसमें एक गाना है चुनो छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी, और दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। तो दीदी ये कहती थी कि बेटा मुझे ये समझ में आता था कि मान लो ये गाना है औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, अगर मैं इसको वहीदा रहमान के लिए गाती तो उसका तरीका बदल जाता, अगर ये सायरा बानो के लिए होता तरीका, वो वैजयंती माला के लिए फिल्माया जाना था, तो मैं उस तरीके से उस पर रियाज करके तैयारी करके जाती थी। एक ये बात, जो एक अजीब बात और जो आपने पूछा जो नए बच्चे समझना चाहें, एक बहुत मज़ेदार बात कही लता जी ने मुझसे, जो मुझे लगता है कि शायद विद्या शाह को भी ये लगता होगा अपने लिए, दूसरे लोगों को भी लगता होगा। वो अपने गानों से बहुत बेनियाज रहने वाली औरत थी कि नहीं नहीं, राजकुमारी की बात करो, शमशाद बेगम की बात करो, और ऐसा नहीं कि वो एक्स्ट्रा हम्बलनेस में कह रही हैं, 7-8 साल आप जब किसी से बात करें तो हर दिन वो नकली नहीं रह सकता। तो कहती थी यार मेरे बात ना क्या करो यतीन मुझसे गाने, उनका सुनो नूरजहां का जी। तो मैंने कहा कि क्या चीज़ आपको खराब लगती है अपने गाने में, बोली बेटा जब हम लोगों को गाने तैयार कराए जाते थे हम लोग गा देते थे, 3 मिनट का गाना है हमने गा दिया, और ये मैंने करीब करीब हर मंच से ये बात कही है। तो जैसे गाते हुए अगर दूसरे अंतरा में पहली लाइन में मैं कहीं से मेरी आवाज श्रील की है, या मैं कहीं सुर से थोड़ा भटकी हूं, या गांधार सही से नहीं लगा है और गाना रिकॉर्ड हो गया, या आउट ऑफ ट्यून या आउट ऑफ मीटर कुछ ऐसा चला गया जो खटक गया किसी मैंडोलिन वाले का, किसी तबले वाले का, तो मैं बहुत परेशान होती थी। गाना रिकॉर्ड हो गया, गाना तो डिस्क पे आ गया, वो आप नहीं पकड़ पाएंगे, कन्नौसर होके भी नहीं पकड़ पाएंगे, वो एक महारथी आदमी पकड़ेगा। बोली अब उसका दर्द यह है कि जब हम दिन दिन रियाज करते हैं बढ़ते हैं तो हम उससे अच्छा गा सकते हैं, हम फिल्मी गाने जो रिकॉर्ड हो गए उनको इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते, इम्प्रोवाइज करेंगे तो उसका वर्जन बदल जाएगा, और जब हमें उसको वहां गाना है स्टेज शो में तो अब हमें वो गलती दोहरानी है जिस शब्द पे हम गलती कर गए हैं, क्योंकि आपकी आदत पड़ गई है वही सुनने की। तो गलती के साथ बार बार गाने का जो कष्ट है वो इतना दुखी करता है कि मैं सुनती नहीं अपना गाना। एक गाना चाचा जिंदाबाद का, बैरन नींद ना आए मोहे, मदन मोहन जी का संगीत है, उस एक गाना को उन्होंने परफेक्ट नहीं कहा, उसमें कहा कि हाँ इसमें शायद कोई गलती नहीं की है। अब ये है लता मंगेशकर। और इससे एक बात और जाहिर होती है कि जिस समय उनका करियर, मतलब 40s 50s से हम लोग देखते आ रहे हैं उनका गाना कब से, तो उस जमाने में मैं कम से कम ऑडियंस को ये बात कहना, आप तो बिल्कुल इस बात से पूरी तरह से वाकिफ हैं कि जो रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी थी वो तो नई के बराबर थी, और उस ज़माने में ऐसे होता था कि जो जहाँ पे शूटिंग होती थी वहीं स्टूडियोज में जाके बाद में समय निकाल के गाने रिकॉर्ड कर लिए जाते थे, तो गाने रिकॉर्ड होते थे तो वो
मतलब वही लाइट चल रही है, धूल है और पता नहीं किस तरह के माइक्रोफोन्स हैं, जमीन पे बैठ के भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि बिल्कुल सोफिस्टिकेशन नहीं थी। आज के ज़माने में आपके पास 16 ट्रैक मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग होती है, तो आप एक लाइन गा के वापस अगले दिन आके दूसरा अंतरा शुरू कर सकते हैं। तो उस ज़माने में आपको पूरी चीज़ स्थाई से फिर से शुरू करना पड़ता था। जो मल्टी ट्रैक का जो उसमें एक और नई चीज़ अब जो जुड़ गई है, जो मेरे ख़्याल में लता जी के संदर्भ में हम लोग सोच भी नहीं सकते, जिसको कहते हैं ऑटो ट्यून। सुर आपका इधर उधर हो रहा है तो उसको थोड़ा आप सटका सकते हैं टेक्नोलॉजी से। तो ये सोचिए, आपने जो अभी बात कही कि उनको ये बात खटकती थी कि भाई एक कुछ गांधार ऐसा हो गया या जो भी हो गया, तो उसको फिर वैसे ही गाना है और अब ऐसा हो गया कि आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। एनीवे, आप बताएं ना एक दो उदाहरण। बहुत सुंदर बात विद्या जी ने उठाई टेक्नोलॉजी के सेंस में, और उन्होंने मुझे बताया था कि जब अनारकली और नागिन के गाने रिकॉर्ड हो रहे थे तो उसी महबूब स्टूडियो के पुराने हॉल में जून के मौसम में, बम्बई की जून बारिश और वो ह्यूमिडिटी, और रात में जब लोकल ट्रेन अंतिम बंद हो गई क्योंकि ट्रेन की आवाज़ आती थी, रात में 2 बजे रिकॉर्डिंग शुरू हुई, सुबह 5 बजे ख़त्म हुई क्योंकि 5 बजे के बाद फिर लोकल ट्रेन चलनी है। उसमें मोहब्बत ऐसी धड़कन है और ये ज़िंदगी उसी की है जैसे गाने, और जाग दर्द इश्क जाग रिकॉर्ड हो रहे हैं, नागिन का मंडोले रिकॉर्ड हो रहा। बोले बेटा तुम लोग सोच नहीं सकते हो कि हम लोगों ने क्या कष्ट उठा के गाने गाए और क्या सीखे हैं। ज्वेल थीफ का गाना रिकॉर्ड हो रहा था, जो ऑर्केस्ट्रेशन की बात है, अब वो इतने सारे ऑर्केस्ट्रेशन के साथ 24 घंटे लगे लगातार एसडी बर्मन को, होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, और उसमें बस एक जगह भूपेन आते हैं ओ शालू करते हुए, ओ शालू कभी आगे करने कभी पीछे करने, कभी आगे करने कभी पीछे करने, फिर से गाना रिकॉर्ड हो। सुबह 4 बजे जाके वो गाना टेक खत्म हुआ, उसके बाद भी एसडी बर्मन संतुष्ट नहीं थे, और किसी को कोई चाय पानी का ब्रेक नहीं, किसी को खाने लंच का ब्रेक नहीं। जी, तो देवानंद बैठे थे तो उन्होंने कहा कि अभी तुम इस गाने से काम चला लेना शूटिंग में, हम इसको फिर से करेगा, वो दादा ऐसे ही बोलते थे, हम फिर से करेगा। तो उन्होंने कहा कि आप क्यों हत्या करने तुले हुए हैं, 100 लोगों को फंसाएं, यही गाना अब जाएगा, माफ करिए। बोले कि ऐसा नहीं है। बोले लता जी देखो थक गई, और लता जी ने एक बार नहीं कहा कि भूपेंद्र नए गायक हैं गड़बड़ कर रहे हैं, एक शब्द गाना है वो शालू। आप लोग जानते हैं कि नहीं, वो शालू जो है उससे पूरे गाने का एक रुख ही बदल गया, रुख बदल गया, रात कालीन गंसी हुई, ओ शालू, बस इतना ही है वो, बस इतना ही है। और उसके बाद उनका रात कालीन गंसी हुई है जवां। अब ये रात कालीन गंसी दिन भर होती रही बिना खाए पिए, तो ये होता है गाने का रिकॉर्डिंग। और एक कुछ अच्छा गाइए, एक चीज मैं और जोड़ना चाह रही थी जो अलग वाली बात है, 5 साल की उम्र में सीखना शुरू कर लिया और पिताजी से सीख रही हैं, और कितनी जल्दी उनको स्टेज पे बिठा दिया गया, और उसके बाद पिताजी गुजर गए, लेकिन उस ज़माने में भी वे दूसरे उस्तादों से सीख रही थी, पूरा मतलब जिसको हम लोग बहुत बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं, घरानेदार गायकी जिसको कहते हैं, तो उन्होंने भी सीखा है भिंडी बाजार घराने के उस्ताद से। तो ये एक्नॉलेज करना ज़रूरी है कि उनकी तालीम भी बहुत ज़बरदस्त थी, और उस ज़माने की कुछ मजबूरियां भी थी, लेकिन ज़माना भी ऐसा था कि उनके पिताजी खुद थिएटर कर रहे थे, तो थिएटर के साथ एक एक्सपोजर, थिएटर के गाने अलग किस्म के होते थे, उसको समझना, उसको गा पाना, तो उनकी गायकी की जो समझ है वो ये सब लेके साथ लेके चली है, तब जाके उनके गाने में इतना वजन था कि वो जो भी गा रही हैं कि उसमें एक मूड बनता था, क्योंकि ये सब वो देख चुकी थी और बहुत छोटी उम्र से। ये बिल्कुल सही बात उठा रही विद्या जी कि आप वो पूरा समय देखिए कि कैसे बन रहा है। और मैं एक बात कहता हूँ कि भारत के आज़ाद भारत की जो सांस्कृतिक यात्रा है वो लता जी की यात्रा है। 47 में देश आज़ाद हो रहा है, 47 में आ रही हैं गाने, पालागू कर जोरी रे शाम मुझसे खेलो ना हो रही। लता जी जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर नरेंद्र मोदी जी तक का सबका रिजीम देखती हैं। लता जी वो हर आयोजन में मौजूद हैं जो देश का बाद में गौरव बनने जा रहा है। तो एक एपिकल लाइफ पाना, उसमें उस तरह से निकलना गुजरना, जब देश आज़ाद हुआ, जिस दिन गांधी जी की हत्या हुई, आपको कैसा लगा? बोली शहनाई पिक्चर की सिल्वर जुबली पार्टी चल रही थी, आना मेरी जान संडे के संडे।
अब फिल्मिस्तान में शहनाई की सिल्वर जुबली पार्टी हो रही है, तब तक अचानक से अफरा तफरी मची कि पार्टी खत्म करो, सब लोग घर जाओ, गांधी जी नहीं रहे, गांधी जी की हत्या हो गई और ब्लैकआउट होना शुरू हुआ है, सब मेरी किताब में जी। तो फिर लता जी जल्दी से भागी, लौट के आई, तो मैंने कहा दीदी क्या महसूस किया? बोली बेटा बिल्कुल ही एक कंट्रास्ट था, ये समझ में नहीं था और अंधेरा होता जा रहा था, हम लोग खैर ऐसा अराजक समय नहीं था। मैं घर पहुंची और पार्टी में भी कुछ नहीं खाया था, पार्टी भी तुरंत वाइंड अप कर दी गई। तो मैंने माँ से जाके कहा कि बहुत, माँ रो रही थी और उन्होंने कहा कि बच्चों को खिला दिया, क्योंकि छोटे सब भाई बहन छोटे छोटे थे, तो बोले तुम्हारा दिमाग खराब है, बापू नहीं रहे, खाना कैसे बनेगा क्या? तो घरों में खाने नहीं बने, लोगों ने उस तरह का दुख मनाया। तो लता जी से जब मैंने बात की तो वो ऐसे बात करती थी जैसे सामने सब प्रत्यक्ष दर्शी हैं, जिसको हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा है, सिर्फ फिल्म संगीत ही नहीं। अब डरने की बात नहीं, अंग्रेजी छोरा चला गया, वो गोरा गोरा चला गया, मजबूर में गा रहे हैं वो और मुकेश। तो एक पूरी बनती हुई जो भारत की एक सभ्यता है, जो हमारा देश आजाद हो रहा है, लता मंगेशकर एक बिल्कुल नया और खुलापन लेकर के आ रही हैं, जोराबाई अम्बाला वाली, अमीर बाई कर्नाटकी, राजकुमारी, सुरैया, पारुल घोष, कानन देवी, भारी भरकम लहीम शहीम आवाज के बीच में हवा में उड़ता जाए मुरालाल दुपट्टा मलमल का लेकर आई और हवा की तरह उड़ा ले गई पूरी फिल्म इंडस्ट्री को। तो लता जी वो दीवा है। विद्या जी यहाँ पे एक गाना बनता है, बहुत सुंदर, मुझे ये गाना बहुत पसंद है। हाँ, और ये राग गौड़ सारंग में, गौड़ सारंग में एक सुंदर गीत, भारत का सांस्कृतिक एकता का नेशनल एंथम है, साहिर लुधियानवी और जयदेव म्यूजिक डायरेक्टर।
धन्यवाद, थैंक यू। अब आप ये देखिए स्मिता जी, जी पहले गौर सारंग की आपने राग छाया दिखाई, उसके बाद गौर सारंग आया, जो पहला ही सवाल है मैं उस पर फिर लौटता हूँ। तीन मिनट की जिंदगानी है फिल्म संगीत की जी। एक शास्त्रीय गायक ख्याल गाते हुए, ध्रुपद गाते हुए, तराना गाते हुए 30 मिनट से 1 घंटे का वितान लेता है, अगर ठीक से द्रुत और विलंबित में जाता है। 3 मिनट में शुद्धतम रूप में राग दर्शना करा देना उसकी पूरी स्वर संगति के साथ, जबकि अधिकतर गीत 2-3 रागों के मेल से बनते हैं। आप या तो उसे नैना लागेरे सुने तो उसमें 3-4 राग हैं, वृंदावनी सारंग है, उसमें तिलंग है, उसमें भीमपलासी है, सब रागों को अलग अलग पंक्तियों के साथ अलग अलग नबेर देना और परफेक्ट नोट पे आके खत्म करना, ये काम लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, आशा जी सबने किया है। आपको राग पटदीप सुनना है आप जाइए मेघा छाया आधी रात सुन लीजिए, आपको भीमपलासी सुनना है नैनों में बद्रा छाए सुन लीजिए, आपको नंद सुनना है आप अमीर खां का नंद सुनिए, और उसके बाद सुनिए तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। तो आपको लगेगा कि जो आप, मैं ये नहीं कह रहा कि शास्त्रीय संगीत बहुत ऊंचाई पर है, लेकिन 45 मिनट नंद का आनंद आप अगर जल्दी में लेना चाहते हैं तो आप 3 मिनट में तू जहां जहां चलेगा मैं वो पाद पा सकते हैं, या फिर पुरानी रिकॉर्डिंग्स में जाके केसरबाई केरकर की रिकॉर्डिंग में 3-4 मिनट में गाना सुनिए। और लता जी की एक और बड़ी बात जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, जो उनको बड़ा बनाती है, जो भीमसेन जोशी भी कहते थे, उन्होंने कहा बेटा जैसे 24 कैरेट गोल्ड के गहने नहीं बनते, उसमें खोट मिलाना पड़ता है, ऐसे रागदारी में चोरी करनी पड़ती है, चोरी नहीं करेंगे दूसरे घराने से तो हम गा नहीं पाएंगे वैसा, ये भीमसेन जी कहते थे। लता जी ने मुझसे कहा कि जब मैं गाती थी तो मेरे दिमाग में जो चल रहा होता था उस्तादों का, उन्होंने सलामत नजाकत अली का बहुत उठाया, आमिर खान साहब का, तो वो उनके दिमाग में कोई बात रह जाती थी। जो गाना है इनका भीमसेन जोशी का साथ उनका, राम का गुणगान करिए, राम की प्रभु की सभ्यता का भव्यता का ध्यान धरिए, भीमसेन जोशी के साथ गाते गाते उन्होंने एक तान ली है और उन्होंने कहा ये मैंने बरकत अली खां की फलानी राग से उठा के हूबहू तान वहां लगाई है, या मैंने इस मीड को यहाँ पे ज्यादा विस्तार दे दिया है आकर। और मदन मोहन, सलील चौधरी, ये तमाम लोग उनसे कहते थे कि हमने गाना कंपोज कर दिया है, इसमें आप भराव का काम कर लीजिए, फिलिग्री आप करिए, जड़ाव काम आप करिए। तो ये कितनी, आज कोई पार्श्व गायिका, बड़ी से बड़ी पायदार पार्श्व गायिका शायद वो ना करे, क्योंकि वो ट्यून्ड बनते हैं वैसे, आपको उसी में ट्रैक पे भरना है अपनी आवाज। उस जमाने में सब साथ बजता था, शायर भी साथ बैठता था, शैलेंद्र और साहिर भी बाहर बैठते थे कि अगर दीदी को गाने के शब्द नहीं पसंद है तो बदलना पड़ेगा आपको, और वो बदल जाता था। और वहाँ जा कर के आप लता मंगेशकर को सुनते हैं तो कहीं से ग्वालियर घराना झलकता है, कहीं से कुछ आता है, कहीं से अंजनी बाई मालपेकर की आवाज़ की छाया दिखाई पड़ती है, कहीं ये लगता है कि आमिर खान साहब का कंसर्ट सुन तो नहीं रहे हम, ये कौन करेगा, अगर वो कर पाई हैं तो शायद वो इतनी बड़ी है। ये कहती भी थी वो कि मतलब शास्त्रीयता तो थी उनके गायन में लेकिन वो छूट नहीं थी जो एक शास्त्रीय। और ये भी कहती थी, मैंने उनसे कहा कि आपके जीवन का सबसे बड़ा रिग्रेट, बोले कि बैठ के रियाज नहीं किया ठीक से और बड़े गुलाम अली खां की तरह गा नहीं पाई। इस बात का मलाल था, ये मलाल, ये एक बहुत बड़ा कलाकार कह सकता है। बड़े गुलाम अली खां का एक किस्सा है कि वो गिरगांव में एक कंसर्ट था तो उनके ज्यादातर शास्त्रीय संगीत में होता है कि उस्ताद और उनके शिष्य सब बैठते हैं तो पूछ लेते हैं कि आज गुरुजी क्या गाना है, शाम का कंसर्ट है तो क्या गाएंगे, तो यमन गाएंगे बेटा, और यमन का रियाज हो रहा है उनके फ्लैट में। बगल के फ्लैट से विविध भारती से एक आवाज गूंजती है, जा रे बदरा बैरी जा रे जा रे, बहाना पिक्चर का गाना है, अगेन मदन मोहन। तो खिन हो गए उस्ताद, बोले कि ये जब से लता का यमन मेरे कान में पड़ा है मैं अपना यमन भूल गया हूं। अब बू ताक रहे हैं शिष्य लोग, कहा कोई प्रैक्टिस नहीं, अब शाम को तय करेंगे, और पहुंच गए कंसर्ट में। और ऐसा कहा जाता है कि उस दिन उन्होंने यमन नहीं गाया क्योंकि उन्होंने कहा कि आज जैसा लता का यमन सुन लिया फिल्म के गाने में मैं शायद वैसा कंसर्ट में ना गा पाऊं। ये पायदारी, ये वजहदारी। बड़े गुलाम अली खां कहते थे कि मौसीकी मूरत की तरह होती है म्यूजिक, कुछ कम तो बहुत कम, कुछ ज्यादा तो बहुत ज्यादा, परफेक्शन का नाप तौल।
और ये लता जी से मैंने सीखा। उन्होंने कहा कि गुरु सिखाते थे तो ये बताते थे कि किसका कितना रियाज करना है, जरूरत से ज्यादा रियाज भी नहीं करना है, जितना जिस चीज पे जिस नोट पे कह दिया गया वो करना है। तो ये लोग उस परंपरा से निकले हुए लोग हैं। नहीं, इनके संदर्भ में खासकर मैं हमेशा चौंक जाती हूँ कि वो कहने भर के लिए क्लासिकल म्यूजिशियन नहीं थी। हाँ। क्योंकि उनके बहुत सारे गाने हैं, जैसे गारा गारा में है ना वो तो ये मोहे पनघट पे जो है ये लोग, हम लोग तो मुगले आजम में जो इसका मतलब क्या खूबसूरत सीक्वेंस था वो, लेकिन इसको पहले किसी ने एकदम अलग अंदाज में गाया था, इंदु बालाजी ने गाया और भी एक किसी ने गाया है खैर, और पहली रिकॉर्डिंग में तो उसमें एकदम अलग अंदाज से गाया गया इसको कि मोहे पन घट पे, मोहे पन घट पे नंद लाल छेड़ गयो रे, मोहे पन घट पे। तो उसका इन्होंने क्या मतलब एस्थेटिकली इसको ऐसे तराश दिया, मोहे पन मतलब क्या सुंदर बना दिया उसको, देखिए आप। तो वो उनमें एक दोनों दोनों वर्ल्ड्स की जो समझ थी उनको, तो उसको इकट्ठा करने की जो एक जीनियस था उनमें। तो जन सम्मोहिनी एक बहुत अनयूजुअल राग है कि ग प ध नि सा नि द प ग प ध नि द प ग प ग रे नि ध सा सा ग प ध नि द प द ग प ग रे नि द ग रे नि द सा हाय रे वो दिन क्यों न आए रे, क्या सुंदर जगह हो रे हाय रे, पहले आए फिर हाय रे वो दिन क्यों न। तो ऐसी ऐसी चीजें जो है जैसे गारा हो गया, जन सम्मोहिनी, मतलब ऐसे ऐसे राग में उन्होंने खमाज कामोद एरी जाने न दूंगी, तो जो शास्त्रीय वाले हैं उनका रेपा, अरे वाह क्या कामोद पकड़ा है यार, बड़ो गाना कितना सुंदर है, एरी जाने न दूंगी एरी। तो ये उनकी मतलब खूबी तो क्या ही कहे, कहीं ज्यादा मतलब आज पता नहीं क्यों बैठते समय इन्होंने कहा मदन मोहन से बात करना, फिर मदन मोहन याद आ गए। पूजा के फूल का एक गाना है जी, मेरी आंखों से कोई नींद लिए जाता। नए बच्चे जो सुन रहे हैं आप लोग यूट्यूब पे जरूर टाइप करके सुनना, उसमें इमरत खान साहब का सितार शुरू होता है और पहली लाइन आती है मेरी आंखों से कोई नींद लिए जाता है, फिर सितार आता है, फिर सितार का इंटरल्यूड आता है, प्रिल्यूड आता है, फिर इंटरल्यूड आता है, फिर धीरे से आंखों से पैगाम दिए जाता है, जैसे लता उतरती है दूसरी लाइन में सितार पीछे छूटता है, लता मंगेशकर आगे निकल जाती है, आज सोचा तो आंसू भर आए में सितार और सारंगी पीछे छूट जाती, मायरी में कासे कहूँ, मतलब आपको गाने साज पिछड़ जाए, तबले वाले के हाथ की उंगलियां थक जाएं, लता मंगेशकर की आवाज वो जाके चपकती है। आप जानते होंगे, आप तो सभी कुछ जानते हैं लता जी के बारे में, जो वो बहुत मशहूर गाना है मेघा छाए आधी रात, पटदीप जो है वो किसने, आपको मालूम है ना किसने वो गाना पहले सोचा था, उस्ताद विलायत खान साहब ने वो गाना ऐसे ही मजे मजे में एक बार किया था, तो उसके बाद वो गाना कैसे वो बन गया और कैसे उन्होंने गाया उसके लिए जो है एसडी बर्मन को फोन किया शाम सुन उन्होंने सज्जाद हुसैन ने, सज्जाद हुसैन जिनका ए दिलरुबा नजरे मिला, उन्होंने कहा जैसे गालिब ने मोमिन के एक शेर के लिए कहा था कि मैं सारा दीवान दे दूंगा, ये गाना मुझे दे दो और मेरा सारा ले लो, सज्जाद हुसैन। तो सुना होगा पटदीप ये राग है, गा दीजिए मैं एक लाइन, एक लाइन मैं सुना आंगन दिया जले मोरे आंगन वो जिया, वो गाओ ना वहां से उठाओ। मेघा छाए आधी रात बेरन बन गई निंदिया, मेघा छाए आधी रात बेरन बन गई निंदिया, बता दे मैं क्या करूं, मेघा छाए आधी रात बेरन बन गई निंदिया।
जिसमें हम एक ठुमरी गाते हैं, लागे तो से नैन, लागे तो से नैन सावरिया, सावरिया लागे तो से नैन, मेघा छाए आधी रात पटती। और मतलब अब उसमें जो आपने किया हरकत की जी। क्या करूं क्या करूं, जाके सुनिए, कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल, सीखा सिखाया भी नहीं कर पाएगा, हैसियत नहीं है लोग कर पाए। बिल्कुल सही बात। उनका भोपाली सब सीखते हैं, पहला राग ही भोपाली सीखते हैं। एक विशांताराम की फिल्म है अमर भोपाली मराठी में, उसका भजन महाराष्ट्र में हर घर में गाया जाता है, घनश्याम सुंदरा श्रीधरा अरुणोदय झाला। और एक भोपाली में भाभी की चूड़िया का गाना है ज्योति कलश छलके। दोनों लता जी की आवाज में सुन लीजिए, मतलब वो आ वाली फीलिंग, मतलब आप पागल हो जाएं, आपको लगे आप किसी प्रार्थना सभा मंडप में बैठ गए हैं जाके। मैं जब सुनता हूँ घनश्याम सुंदरा मेरे आंसू झरने लगते हैं, मुझे लगता है कि कौन रुला देता है मुझको आकर के। मराठी फिल्मों में म्यूजिक भी किया है ना उन्होंने, संगीत क्या मराठी फिल्मों में जो म्यूजिक किया है सुधीर फड़के, तो अब फिर खुद भी तो उन्होंने म्यूजिक कंपोज भी किया फिल्मों के, आनंद घन के नाम से। आनंद घन के नाम से, व्हाट एन इंटरेस्टिंग नाम बदल के सजा। 7-8 फिल्मों में दिया, जब पहली फिल्म को नेशनल अवार्ड मिल रहा था तो ये हुआ कि आनंद घन नहीं आए, आनंद घन नहीं आए, लता जी आके बैठी, तो ये हुआ कि आप उनकी जगह अवार्ड लेने आई हैं क्या? बोले नहीं मैं ही आनंद घन हूँ। वो स्टूडियो पहले उन्होंने अपना नाम रखा था जटा शंकर, तो उनको कहा गया कि ये खराब नाम है, जटा शंकर नाम नहीं ठीक है, तो आनंद घन नाम रखा। क्या सुंदर। 8 फिल्में की जिसमें से 3 फिल्मों को नेशनल अवार्ड मिला एज ए म्यूजिक कंपोजर लता मंगेशकर। तो क्या करेंगे आप, मतलब हरी अनंत हरी कथा अनंता। जेके रॉलिंग एक है रिपोर्टर, 7 पार्टर लिखी है शायद, 5-6 वाले। मैं पूरी जिंदगी लता मंगेशकर पे एक किताब लिख सकता हूँ, हर साल लिख सकता हूँ, इतना सुना है मैंने उनको और इतना बात की है, और जो बात मुझे बहुत अंदर तक छूती है, अपना गाना जैसे शुरू करो उनसे बात करना है। हड़ाओ किशोर दा ने गाया एक बार, मैंने कहा कि अनीता फिल्म का एक गाना है, मैं देखूं जिस ओर सखीरी सामने मेरे सांवरिया, तो मैंने कहा दीदी इस पे बात कर लो। बोले यतीन्द्र जी अगर मुझे पता होते कि मेरे इतने खराब गाने आपको पसंद है तो मैं आपको इंटरव्यू ना देती। फिर और मैंने कहा कौन सा गाना आपको दुखी करता है, तो बोली कि जब मुझे स्टेज पे एक जमाने में बिंदिया चमकी की गाने को कहा जाता था तो लगता था किसी ने कानों में शीशा घोल दिया है। और एक बहुत मजेदार किस्सा है, बेगम अख्तर साहिबा की बड़ी दीवानी थी और 45 में उन्होंने आपकी फरमाइश आता था तो उसमें उन्होंने भेजा था कि लता दीनानाथ मंगेशकर दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, सुनना चाहती हैं। तो वो अनाउंस हुआ तो मैंने एक बार पूछा कि आपका जब टीवी रेडियो पे नाम और नाम अनाउंस होने लगा था तो आपको मजा आता था? बोली बेटा वही मजा आया था 45 में जब ये बार एक बार सुनाया गया कि लता दीनानाथ मंगेशकर वहाँ से नासिक से ये फरमाइश कर रही हैं, उसके बाद तो मजा नहीं आया। बेगम अख्तर से बहुत उनके सुंदर कॉर्डियल रिलेशन थे, लेकिन उनको एक बात का बहुत दुख रहता था कि बेगम अख्तर साहिबा जब उनसे मिलती थी तो कहती थी कि लता क्या गजब गाती हो, क्या गले में तुम्हारे सुर बैठा हुआ है। तो जी बहुत खुशी है, बहुत शुक्रिया। ये तो हर कलाकार को लगता है कि मेरा कौन सा गाना पसंद है इनको, तो कहें कि बेगम साहिबा कौन सा गाना, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, तो वो घबरा जाती थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि उनको गाना पसंद था कि वो मजा लेती थी मुझसे, क्योंकि वो तो ऐवें गाना है। तो हमने कहा बेगम अख्तर के दिमाग में वही चढ़ा था तो क्या किया जाए। चलिए कुछ ऑडियंस के सवाल ले लेते हैं जी। हेलो यतीन्द्र सर, मैंने आपकी बुक लता सुर गाथा पढ़ी। आपकी लता जी से पहली मुलाकात कब हुई इस किताब को लिखने के लिए? लता जी से मेरे पारिवारिक रिश्ते थे, मेरे पिताजी को बहुत मानती थी और मेरे पिताजी से उनका परिचय कराया था उदयपुर के भूतपूर्व महाराजा अरविंद सिंह मेवाड़ जी ने। तो पिताजी से उनकी बात होती थी, मेरी मुलाकात नहीं थी। तो जैसा कि होता है कि मैं लता जी का फैन था तो फ़ोन पे उनको बर्थडे में विश करता था,
हम लोग होली दिवाली में बात करते थे, दशहरे पे बात करते थे, साल में दो चार बार बात हो जाती थी, तो मेरे अंदर जुनून चढ़ा कि मुझे लता जी किताब लिखनी है। तो मेरे पिता ने पहले मुझे हतोत्साहित किया, कहा अच्छा लता जी तुमसे फ़ोन पे बात कर ली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, चुप रहो। तो मैं लगा रहा, तो एक दिन मैंने लता जी से कहा कि दीदी मैं आप पे, तो पहली मुलाकात की बात, तो फ़ोन पे जब मैं पहली बार उनसे मिला तो मैं कुछ बोल नहीं पाया, जी नमस्कार मैं लता बोल रही हूँ। तो मैंने कहा प्रणाम दीदी चरण स्पर्श, आप बहुत सुरीली हैं, जैसे हम बहुत बड़े तानसेन हैं उनको सर्टिफाई कर रहे हैं। तो कहती हैं जी मुझे मालूम है, शुक्रिया। मतलब हम कह रहे हैं कि सुरीली है, वो कह रही जी मुझे पता है। उसके बाद तो बात ही खत्म हो गई, फिर क्या बात करें। खैर फिर मैं उनके पीछे पीछे लगा रहा, तो उन्होंने कहा, उस समय नसरीन मुन्नी कबीर की किताब आई थी, इन कन्वर्सेशन विद लता मंगेशकर। तो उन्होंने कहा लतीन जी आप ऐसा करिए, वो नसरीन वाली किताब को अनुवाद कर दीजिए, आपका नाम भी आ जाएगा। तो मैंने कहा मुझे नाम वाम नहीं करना है उस पर, मुझे आपसे बात करनी है। मैं आप तो बोले कि आपने तो गाने भी नहीं सुने होंगे, मतलब उनको ये लगा कि ये हमारे परिचित का बेटा है, तो ऐसे ही लता मंगेशकर जैसे कोई क्रिकेट खेलता हो सचिन तेंदुलकर मिल जाए तो कहे कि मैं आप पे इंटरव्यू लूँगा, तो कहे कोई सचिन तेंदुलकर इंटरव्यू देंगे। तो ऐसे मेरा साल डेढ़ साल चलता रहा, 2005-06-07। 2008 में लता जी के ऊपर 9 में 80 साल की होने जा रही थी, तो एक एल्बम HMV रिलीज कर रहा था, 80 रेयर सॉन्ग्स ऑफ लता मंगेशकर। उसमें एक गाना था गरम कोट पिक्चर का, पंडित अमरनाथ का म्यूजिक था, जोगिया से प्रीत किए दुख होए। तो चूंकि मैं बहुत फ़ोन करता था उनको, तो उनके सेक्रेटरी का फ़ोन आया कि दीदी पूछ रही हैं कि ये गाना आपके पास होगा। तो मैंने कहा कि बात करो। तो मैंने देश भर के कबाड़ियों से गाने बटोरे थे लता जी के, जब YouTube पे भी नहीं होते थे, आज भी सारे गाने नहीं है YouTube पे। तो नागपुर में एक हसमुख दलवाड़ी था, मैंने उससे गाना खरीदा था जाके वो। तो मैंने कहा मेरे पास है, तो बोले आपके तो पिताजी भी पैदा नहीं हुए होंगे। तो मैंने इंसाइक्लोपीडिया की तरह सब बता दिया कि 1954 की पिक्चर है, निरूपा राय बलराज साहनी है, गरम कोट है, पंडित अमरनाथ है, और 5 गाने हैं आपके, 4 सोलो हैं। अब उधर से 1 सेकेंड का पॉज, साइलेंस। फिर बोले आप मुझे वो एक गाना भेज सकते हैं, मुझे उसमें देना है रिकॉर्ड में। तो मैंने कहा दीदी मुझे 2 दिन का समय दीजिए। मैंने तुरंत उसका MP3 MP4 वर्जन सब बनाया, वे फॉर्मेट वॉर्मेट जैसा मांगा गया। उस जमाने में अयोध्या जैसे शहर में मैं रहता हूँ तो ये सब फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, तो मैं लखनऊ गया उसके लिए स्टूडियो में, उस जिस फ्रिक्वेंसी पर मांगा गया था, तो वो सब मैंने करा के उनको भेजा। 3 दिन के बाद लता जी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा आप किताब कब शुरू कर रहे हैं। अब मैं जैसे बेगम अख्तर के लिए वो कहती थी कि ये जो है तारीफ करती थी कि मजा उड़ाती थी, अब मैं कह रहा हूँ मुझे ये, मैं मान नहीं सकता कि दीदी के पास वो गाना नहीं रहा होगा। अब वो मेरा टेस्ट ले रही थी कि वाकई उनके पास गाना नहीं था, या मेरा जुनून चेक कर रही थी, इसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। क्या बात है राजा साहब। मेरा एक सवाल है, हिंदी सिनेमा में जितनी भी एक्ट्रेस ने काम किया, जितने भी फीमेल एक्टर ने काम किया है, लगभग सबके लिए गाना गाया है। आपसे निजी बातचीत में कभी उन्होंने बताया कि उनको किस हीरोइन पे उनको अपना गाया हुआ सबसे अच्छा लगता था, और वो कौन सा एक गाना होगा जिसको उन्होंने जिस भाव से गाया था उसी भाव से हीरोइन ने निभाया भी था। उन्होंने कहा कि मैं गाती थी, हालांकि उन्होंने एक बड़ी अभिनेत्री का नाम लिया जिसको मना किया लिखने को, तो मैं बोल भी नहीं सकता। उन्होंने कहा मुझे बड़ा ख़राब लगता था कि मैं तार सप्तक में जाके गाती थी और मुंह इतना खुल रहा है, तो कहाँ से तुम आलाप ले रही हो। तो ऐसी भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस थी जिसको मुझे बेमन से गाना पड़ता था, लेकिन मैं अपना फ़र्ज़ निभाती थी। जिन 3 एक्ट्रेसेस के लिए उन्होंने सर्वाधिक तारीफ़ की, उसमें पहला नाम नूतन, दूसरा नाम वहीदा रहमान, और तीसरा नाम मीना कुमारी जी का था, कि उन्होंने कहा कि इन लोगों ने बेहतरीन ढंग से मेरे आवाज़ को उतारा। बोली लेकिन मेरी आवाज़ सबसे ज़्यादा सूट करती थी सायरा बानो पे। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि सबसे ज़्यादा वो सब पे ही सूट करती थी, लेकिन उनके हिसाब से सायरा बानो की लगता था कि वो लता के लिए बनी है। और एक गाना है सीमा फिल्म का, शंकर जयकिशन का म्यूज़िक है, मनमोहना बड़े झूठे हार के हार नहीं माने, जय जयवंती है उसमें। तो उसमें उन्होंने कहा कि जब वो गा रही हैं नूतन, तो गले की नसें सब वैसे ही खींच रही हैं जैसे एक पेशेवर क्लासिकल गाती है तो तान और मुरकी लेते समय खींचती हैं। तो उन्होंने कहा कि नूतन ने परफेक्ट गाया निभाया, और फिर बाद में बहुत बाद में अभिमान में जया जी ने अब तो है तुमसे और नदिया किनारे हराया ही कंगना,
मैं बिल्कुल वैसे गाया, वैसे निभाया जैसे मैं चाहती थी। क्या बात। नहीं, आमतौर पे बड़े पर्दे की जब बात आती है तो हीरोइन या मेन लीड एक्टर और एक्ट्रेस जो होते हैं वही सबसे, मतलब वही फिल्म को लेके चलते हैं, लेकिन इनके केस में मतलब कि वो गा रही हैं उनके लिए तो अलग ही मामला है। उन्होंने कहा, जया बच्चन ने एक इंटरव्यू में कहा कि जब पहली बार मुझे पता लगा कि दीदी मेरे लिए गा रही हैं तो मुझे लगा कि मैं एस्टैब्लिश हो गई। मेरी किताब आ रही है गुलजार साहब पे, उनकी बायोग्राफी, मैं किस संदर्भ में बताने जा रहा हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि आप बिमल रॉय स्कूल के आदमी, आपने गाने लिखे, पहला ही गाना लता जी ने गाया, सब हुआ, कब लगा कि फिल्म इंडस्ट्री में आपका स्थान सुरक्षित हो गया? तो उन्होंने कहा, बेटा जिस दिन आंधी का गाना रिकॉर्ड हो रहा था, इस मोड़ से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रस्ते, कुछ तेज कदम राहें, तो जब लता जी ने आलाप लिया उसके बाद आई इस मोड़ से जाते हैं, तो मैं बगल में बैठा था, मैंने आर डी बर्मन पंचम का हाथ पकड़ा, मैंने कहा अब नहीं मरूंगा, अब कोई फिल्म ना बनाऊ, कोई गाना ना लिखूं, तो ये गाना मुझे इतिहास में जिंदा रखेगा। ये हैं गुलजार साहब। तो लता जी एक पैरामीटर थी जिसके उस पर सब लोगों ने काम किया। लता जी खुद भी गुलजार साहब की बहुत फैन थी, उनकी लेखनी की, और उन्होंने अपनी फिल्म डायरेक्ट करवाई लेकिन उनसे। और बात इसके, हमारे हमारे समाज से पद्मा सचदेव जी, जी लेखिका, बहुत कश्मीरी की बहुत बड़ी लेखिका हुई, पद्मा सचदेव का सब लिखा एक तरफ, और ये नीर कहाँ से बरसे हैं, ये बदरी कहाँ से आई है, प्रेम पर्वत का और मेरा छोटा सा घर बार, दो गाने प्रेम पर्वत में लिखे हैं और दोनों गाने लता जी ने गाए हैं, आप लोग जाके सुनना ये नीर कहाँ से बरसे हैं, तबीयत खुश हो जाएगी। हम लोगों को ये मकबूलियत नहीं मिली कि हमारी हमारी कविताओं को लता जी और आशा जी की आवाज़ मिलती। क्या बात है साहब कि आज शकील बदायूनी, हसरत जयपुरी, ये सब लोग बहुत बड़े शायर इसलिए हैं कि लता मंगेशकर और मुकेश और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है उसके पीछे। आज मीराबाई और तमाम सारे बड़े कवित्रियाँ संत इसलिए बड़े हैं कि शास्त्रीय संगीत का समाज उनकी बंदिशें ढूंढ ढूंढ के गाता है। मेरे तो गिरधर गोपाल है, मैं सुबह लक्ष्मी से उठा के विद्याशाह तक चले आइए, तो ऐसे जिंदा रहते हैं लोग। बिल्कुल जी। कोई और सवाल? आपने कहा कि बेगम अख्तर साहिबा को वो गाना पसंद था, बेगम अख्तर साहिबा की परंपरा की एक गायिका हमारे साथ बैठी हैं, उनको लता मंगेशकर का कौन सा गाना पसंद है ये हम जानना चाहते हैं। इसी के साथ समापन करेंगे। तो एक गाना जो मजेदार है, इन्हीं लोगों ने पाकिजा का गाना, क्या बात है, रागों का राग जो है यमन जिसको कहते हैं उसी पे है ये, इसमें कई सारी चीजें हैं यमन राग में। तो इसमें है ये गाना, इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा, हमरी न मानो बजजवा से पूछो जिसने अशरफी गज दीना दुपट्टा मेरा, जिसने अशरफी गज दीना दुपट्टा मेरा, हानी ना दुपट्टा मेरा, होगी ना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने। क्या बात है। एक भैरवी लता जी की कोई गा दीजिए, कंसर्ट में अगर भैरवी किसी ने गा दिया तो उसके बाद फिर कुछ गाया नहीं जाता। जागो मोहन प्यारे, जागो जागो मोहन प्यारे, जागो जागो मोहन प्यारे, जागो
सावरी सूरत तोरा मन ही भावे सुंदर श्याम हमारे जागो मोहन प्यारे जागो जागो मोहन प्यारे सावरी सूरत तोरा मन ही भावे सुंदर श्याम हमारे जागो मोहन प्यारे। बहुत धन्यवाद विद्या जी, बहुत आभार। इस शाम को यादगार बनाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। शुक्रिया, जोरदार तालियों के साथ दोनों का थैंक यू सो मच।